हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमिलिया कैरेक्टर, एना कैरेक्टर और सारा कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन। तो गाइस, वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम करने वाले हैं लुक्स का कंपैरिजन। तो चलिए देखते हैं कि किसका लुक सबसे बेस्ट है। तो गाइस, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे एमिलिया कैरेक्टर का लुक्स। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से ये कैरेक्टर है। और गाइस, इसका लुक मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। और सर पे जो ये बाल है, ये घोंसला जैसा बना हुआ है। और इस कैरेक्टर का लुक इससे भी अच्छा हो सकता था। तो गाइस, इस बारे में आपके क्या राय है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और गाइस, इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एना कैरेक्टर। तो चलिए एना कैरेक्टर की लुक भी हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये है एना कैरेक्टर और इसका ओवरऑल लुक काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। ये जो एना कैरेक्टर है, इसका लुक एमिलिया कैरेक्टर तो अच्छा ही है। मतलब कि उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, मतलब कि ठीक ठाक मान लो। और गाइस, इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं सारा कैरेक्टर। तो चलिए सारा कैरेक्टर का भी लुक देख लेते हैं। तो गाइस, ये है सारा कैरेक्टर और इसका लुक मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। सारा कैरेक्टर की कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और इसका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। और गाइस, इस कैरेक्टर को देख के वॉरियर जैसा फील आता है। तो गाइस, अगर आप लुक्स की बात करें तो सारा कैरेक्टर यहाँ पे आराम से जीत जाती हैं। तो गाइस, इसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं आउटफिट्स की। तो चलिए देखते हैं आउटफिट्स के साथ ये कैरेक्टर कैसा दिखता है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एमिलिया कैरेक्टर को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एमिलिया कैरेक्टर की सिर्फ एक ही आउटफिट है और यहाँ पे एक चश्मा भी है। तो गाइस, सिर्फ दो ही ये आउटफिट है एमिलिया कैरेक्टर की। और गाइस, इसके अलावा और कोई आउटफिट यहाँ पर नहीं है। आउटफिट तो अच्छा है, मगर कैरेक्टर के साथ उतना अच्छा जच नहीं रहा। तो गाइस चलिए, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कैरेक्टर यानी कि एना कैरेक्टर की आउटफिट्स को। तो गाइस, यहाँ पे एना कैरेक्टर का सिर्फ दो ही आउटफिट है और यहाँ पे पहला आउटफिट आप देख सकते हैं येलो एंड ब्राउन कलर में। और गाइस, ये आउटफिट ठीक ठाक ही है। और दूसरा जो आउटफिट है, ये थोड़ा सा ब्राइट है और ये व्हाइट एंड ग्रीन कलर में है। और ये आउटफिट पहले आउटफिट से अच्छा है थोड़ा सा। तो गाइस, ये सिर्फ दोनों के दोनों आउटफिट है एना कैरेक्टर के पास। तो गाइस, इसके बाद हम देखेंगे सारा कैरेक्टर की आउटफिट्स। तो चलिए देख लेते हैं सारा कैरेक्टर की आउटफिट्स। तो गाइस देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे आउटफिट्स हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे सारा कैरेक्टर के पास हेयर स्टाइल्स भी है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल आउटफिट्स हैं और गाइस कैरेक्टर के साथ ये काफ़ी मैच भी हो रहा है। और गाइस, यहाँ पे देखिए एपिक आउटफिट और इसी के साथ साथ यहाँ पे लीजेंडरी आउटफिट भी है। तो गाइस, यहाँ पे सारा कैरेक्टर के पास टोटल 7 आउटफिट्स हैं और इसी के साथ साथ हेयर स्टाइल्स भी है। और यहाँ पे हेयर स्टाइल्स भी लीजेंडरी आपको मिल सकता है। तो गाइस, यहाँ पे आउटफिट की अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सारा कैरेक्टर के पास सबसे ज़्यादा आउटफिट्स है और हेयर स्टाइल्स भी है। तो गाइस, इस मामले में सारा कैरेक्टर ही जीत जाती है। तो गाइस, अभी हम करने वाले हैं इमोट्स का कंपैरिजन। तो चलिए देख लेते हैं किसके पास सबसे अच्छे अच्छे इमोट्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे एमिलिया कैरेक्टर को। तो गाइस, एमिलिया कैरेक्टर के पास टोटल 3 इमोट है और इनमें से सबसे पहला इमोट है इंस्पेक्टिंग द बैटलफील्ड। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके का इमोट है, ठीक ठाक इमोट है। और गाइस, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो इमोट आता है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो गाइस देखिए, ये कुछ सोचता है और उसके बाद इसको लगता है कि ये सही है। तो गाइस, ये इमोट मुझे भी काफ़ी पसंद है और काफ़ी बढ़िया इमोट है और इसका नाम है ट्रेस एनालिसिस। और गाइस, इसके बाद देखिए, यहाँ पे तीसरा इमोट भी है। तो गाइस, कुछ इस तरीके का इमोट है, मिट्टी से कुछ यहाँ पे उठा के ये चेक कर रही है और उसके बाद पॉकेट में रख रही है। तो गाइस, ये भी ठीक ठाक ही इमोट है। तो गाइस, टोटल यहाँ पे एमिलिया कैरेक्टर के पास 3 इमोट है। और गाइस, इसके बाद चलिए हम देखते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर यानी कि एना कैरेक्टर। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एना कैरेक्टर के पास भी टोटल 3 इमोट है। तो गाइस, सबसे पहला जो इमोट है, कुछ इस तरीके का ये इमोट है और इसका नाम है फर्दर एनालिसिस। और गाइस, इसके बाद एक और इमोट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये डांस कर रही है। और ये इमोट बढ़िया है, ये इमोट ठीक ठाक ही है, मुझे तो ठीक ठाक लगा। और इसका नाम है रिफाइंड डांस। तो गाइस, काफ़ी सही इमोट है ये दूसरा वाला इमोट। और गाइस, इसके बाद एक और इमोट यहाँ पे है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अरे क्या, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। एक और बार देखते हैं। ओ भाई, बढ़िया है, ठीक ठाक ही है। तो गाइस, काफ़ी बढ़िया इमोट है। तो गाइस, यहाँ पे एना कैरेक्टर के पास भी 3 इमोट है और इनमें से 2 इमोट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो गाइस चलिए, अभी हम देखेंगे सारा कैरेक्टर के पास कितने इमोट्स हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सारा कैरेक्टर के पास तो काफ़ी सारे इमोट्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहला ये विक्ट्री वाला इमोट है और इसके बाद ये
जो दूसरा इमोट है हंसी वाला इमोट, काफ़ी कूल इमोट है, काफ़ी बंदे यूज़ करते हैं इसे। और इसके बाद ये तो वही कतई जहर साइलेंट साई इमोट, जहर इमोट। और इसके बाद जो इमोट है स्वादी खा भाई, नमस्ते कर रही है हाथ जोड़ के सारा, काफ़ी सही इमोट है। और इसके बाद जो इमोट है डांसिंग रेंज, तो गाइस ये रेंज के साथ ये कुछ कर रही है और इसके बाद बाल बाल ठीक कर रही है। और इसके बाद जो ये इमोट है, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट इमोट है ये, लेट्स हैव ए बिग गो एट इट भाई, काफ़ी बड़ा नाम है इसका। और इसके बाद एक और इमोट यहाँ पे है बूट कैंप पार्टी, तो गाइस ये इमोट भी काफ़ी बढ़िया इमोट है। तो गाइस टोटल 7 इमोट है सारा कैरेक्टर के पास, और गाइस काफ़ी बढ़िया बढ़िया इमोट्स है सारा कैरेक्टर के पास। तो गाइस अगर इमोट के मामले में कंपेयर किया जाए तो सारा कैरेक्टर ही यहाँ पे विनर बन जाती है। तो गाइस सबसे लास्ट में हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं MVP इमोट्स की। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम एमिलिया कैरेक्टर की MVP इमोट देख लेते हैं। ओ भाई शील्ड आ गया इसके हाथ में, तो भाई खतरनाक इमोट है यार एमिलिया का। ये जो MVP इमोट दिया है ना, ये इमोट खतरनाक इमोट है एकदम। तो गाइस चलिए अभी हम दूसरे कैरेक्टर यानी कि एना कैरेक्टर की भी MVP इमोट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एना दूरबीन से कुछ देख रही है यहाँ पे और कुछ डायरी में लिख रहे। ओ भाई ये पेन निकाल के ये धमकी दे रही है क्या। चलो ठीक ठाक इमोट है और ठीक ठाक लगा मुझे इमोट। और गाइस इसके बाद हम देखेंगे सारा कैरेक्टर की इमोट, तो चलिए सारा कैरेक्टर का MVP इमोट भी देख लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो हाथ में कट्टा लेके बैठी है। ओ भाई क्या स्वैग है। और इसके बाद ये नमस्ते भी कर रही है। तो गाइस सारा कैरेक्टर का MVP इमोट भी ठीक ठाक ही है। तो गाइस यहाँ पे तीनों कैरेक्टर की MVP इमोट की अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया एमिलिया कैरेक्टर का MVP इमोट। और गाइस यहाँ पे MVP इमोट की विनर भी हमारी एमिलिया कैरेक्टर है। तो गाइस यहाँ पे अगर तीनों कैरेक्टर्स की ओवरऑल स्टैंडिंग की बात किया जाए तो ओवरऑल लुक में सारा कैरेक्टर जीत जाती है, आउटफिट्स के मामले में भी सारा कैरेक्टर जीत जाती है, और इमोट्स के मामले में भी सारा कैरेक्टर जीत जाती है। और सबसे लास्ट में जो MVP इमोट का हमने कंपैरिजन किया था उसमें जो है एमिलिया कैरेक्टर जीत जाती है। तो गाइस यहाँ पे तीनों के तीनों कैरेक्टर्स जो कि PUBG या फिर VGMI में आया है, तीनों के तीनों कैरेक्टर्स में से यहाँ पे सबसे अच्छा कैरेक्टर जो है ये सारा कैरेक्टर ही है। और गाइस यहाँ पे सारा कैरेक्टर की एक और एडवांटेज है, अगर आप सारा कैरेक्टर को यूज़ करके मैचेस खेले होगे तो यहाँ पे आपको सारा क्रेट भी ओपन करने को मिलेगा, और यहाँ पे आप क्रेट ओपन करके काफ़ी सारी आइटम्स यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। मगर बाकी के दोनों कैरेक्टर्स की अगर आप वॉइस या फिर आउटफिट या फिर इमोट लेना चाहो तो आपको कैरेक्टर कार्ड यूज़ करके ही लेना पड़ेगा। तो गाइस ये थी PUBG BGMI की तीनों कैरेक्टर्स की कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया हो तो इसमें लाइक ज़रूर से करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।